बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम डियर फ्रेंड्स। देवान जॉब इन्फॉर्मेशन पर एक नई जॉब अपडेट के साथ आपको वेलकम करता हूं। इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूं CPPA यानी कि सेंट्रल पावर परचेजिंग एजेंसी की तरफ से अनाउंस की गई बेहतरीन पोस्ट्स। इसी साल एक और एडवर्टाइजमेंट अपडेट की गई है CPPA की तरफ से, और उनकी कामयाब भर्ती के बाद अभी की जो पोस्टें हैं वो बेहतरीन कैटेगरीज़ में 18 मुख्तलिफ कैटेगरीज़ में पोस्ट अनाउंस की गई हैं। डियर फ्रेंड्स, सबसे पहले आपको थोड़ा सा तारुफ करवा दूँ CPPA क्या है। एक्चुअली एक पावर परचेजिंग एजेंसी है। जितनी भी एजेंसीज वर्क कर रही हैं मुल्क में, जैसे कि इलेक्ट्रिक कंपनीज की के इलेक्ट्रिक है, मैपको है, हेस्को है, लेस्को है, इसी तरह की जितनी भी कंपनीज हैं उनसे ये डील्स करके, उनसे पावर परचेज करके पावर को आगे मार्केट तक सप्लाई करना, उसकी मार्केटिंग करना, ये इस एजेंसी का जो है काम होता है। और ये एक फेडरल डिपार्टमेंट है यानी कि फेडरल एजेंसी है, प्रोवेंशियल नहीं है। आपने ये नहीं समझना कि ये प्रोवेंशियल एजेंसी है। CPPA की तरफ से बेहतरीन अपडेट की गई है पोस्ट की। इसी साल सेकंड एडवर्टाइजमेंट दी गई है। डियर फ्रेंड्स, इस वीडियो में अप्लाई करने का तरीका, मुकम्मल मालूमात और अहम इन्फॉर्मेशन आपके साथ शेयर करूंगा इन पोस्ट के हवाले से। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप वीडियो को मुकम्मल देखिएगा, वीडियो को स्किप नहीं कीजिएगा। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप इवन जॉब इन्फॉर्मेशन पर नए हैं या आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन भी प्रेस कर लें ताकि हर नई आने वाली जॉब अपडेट आप तक बरवक्त पहुंच सके। डियर फ्रेंड्स, आपने इस पेज पर आ जाना है। इस पेज का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो CPPA की ऑफिशियल वेबसाइट करियर सेक्शन में आप पहुंच जाएंगे। यहां पर आप देख लेंगे जॉब अपॉर्चुनिटीज़ में जो सबसे पहली एडवर्टाइजमेंट है, ये ओपन एडवर्टाइजमेंट है। इससे नीचे जो एडवर्टाइजमेंट शेयर की गई थी, मैंने आपको बताया कि इसी साल एक और एडवर्टाइजमेंट भी शेयर की गई थी। आप देख सकते हैं कि उसकी क्लोजिंग जो डेट थी वो 16 मई 2022 थी। इसमें 5 मुख्तलिफ कैटेगरीज़ में पोस्ट अनाउंस की गई थी, लेकिन जो अब एडवर्टाइजमेंट आई है इसकी लास्ट डेट 29 जुलाई 2022 है, लेकिन इसमें 18 मुख्तलिफ कैटेगरीज़ में पोस्ट अनाउंस की गई हैं। यहाँ से आप अपने पोस्ट देख लीजिएगा, जो भी पोस्ट आपके लिए सूटेबल हो, जिसमें आप अप्लाई करना चाहते हो तो आप उसमें ज़रूर अप्लाई कीजिएगा। फेडरल डिपार्टमेंट है और इनमें बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ दी जाती हैं, बहुत सारी सहूलियात होती हैं कैंडिडेट्स को। तो आपने यहाँ पर क्लिक कर देना है जो ब्लू एरिया है एडवर्टाइजमेंट का। यहाँ पर क्लिक करने के बाद एक नए पेज पर आ जाएंगे। यहाँ पर एडवर्टाइजमेंट के लिए ऑप्शन दिया गया है एडवर्टाइजमेंट, तो आप एडवर्टाइजमेंट पर क्लिक करेंगे तो मेरे पास ऑलरेडी डाउनलोडेड है, तो मैं डाउनलोड अगेन का ऑप्शन पर क्लिक करता हूँ। यहाँ से एडवर्टाइजमेंट आपके पास ओपन हो जाएगी। डियर फ्रेंड्स, जैसे एडवर्टाइजमेंट आपके पास ओपन हो उसको जूम कर लीजिएगा। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि मुकम्मल मालूमात दी गई हर एक पोस्ट के हवाले से। पोस्ट नेम है, क्वालिफिकेशन, उसके बाद एक्सपीरियंस, उसके बाद एज लिमिट। तो OTS के ज़रिए ये पोस्ट अनाउंस की गई हैं। याद रखिएगा, OTS के ज़रिए आपने ऑनलाइन अप्लाई करना है, फीस सबमिट करनी है, और OTS के ज़रिए ही आपके पेपर लिए जाएंगे। OTS मीन ओपन टेस्टिंग सर्विस, ये भी एक टेस्टिंग सर्विस है पाकिस्तान में। तो इसी तरह तमाम तर पोस्ट मौजूद हैं, जहाँ भी एक्सपीरियंस में ज़रूरी उन्होंने दिया गया है, डिमांड किया गया, तकरीबन हर एक पोस्ट में उन्होंने एक्सपीरियंस डिमांड किया है, वो मेंशन है। आप देख लीजिएगा, एज लिमिट भी आप देख लें। लास्ट 18 जो कैटेगरी है वो ड्राइवर की पोस्ट है, और नंबर 1 पर जो पोस्ट है ये असिस्टेंट मैनेजर फिनेंस की पोस्ट है। इसके बाद तमाम तर जो सेंट्रल पोस्ट हैं वो आप देख लीजिएगा, किसी में मास्टर डिमांड की गई है, किसी में बैचलर डिमांड की गई है, किसी में इंटरमीडिएट डिमांड की गई है, और किसी में मैट्रिक डिमांड की गई है। और इसके बाद आप देख लें कि यहाँ पर जो भी कैंडिडेट्स किसी भी वर्किंग सप्लाई कंपनी में काम कर रहे हैं उनको प्रेफर किया जाएगा, जो गवर्नमेंट एम्प्लाई हैं वो NOC लेकर अप्लाई करें। लास्ट डेट आपको बता दिया है कि इसकी 29 जुलाई 2022 है, और ओपन टेस्टिंग सर्विस के ज़रिए आप अप्लाई करेंगे। ओपन टेस्टिंग सर्विस में आप अपना चालान फिल करने के बाद अपना फॉर्म फिल करके ऑनलाइन फॉर्म सबमिट करेंगे, उसके बाद फर्दर आपकी स्लिप्स आएंगी, उसके बाद आप रिटर्न टेस्ट होगा आपका, और उसके बाद फिर फर्दर आपको इंटरव्यूज़ वगैरह के लिए बुलाया जाएगा। यहाँ पर तमाम तर मालूमात इन पोस्ट के मुतालिक मौजूद है, आप देख लीजिएगा। यहाँ पर आपको हाउ टू अप्लाई, फर्स्ट लाइन में OTS नज़र आ रहा है, OTS.org.PK। आप OTS वेबसाइट पर जाकर ऑनलाइन अप्लाई करेंगे। यहाँ से आप क्लिक करेंगे तो डायरेक्टली आपके पास वेबसाइट ओपनिंग का ऑप्शन भी आ जाएगा। यहाँ से अगर आप मूव करना चाहें तो यहाँ से भी मूव कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ तमाम तर इन्फॉर्मेशन आपको क्लियर हो गई होगी। अप्लाई करने का तरीका में अगर आपको कोई दुश्वारी पेश आती है तो बदरे कमेंट सेक्शन ज़रूर मुझसे कॉन्टेक्ट कीजिए, इंशाल्लाह आपको प्रॉपर रहनुमाई फराहम की जाएगी।
अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर दें, और इसके साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा ताकि फर्दर आने वाली इसी तरह की कोई भी जॉब अपडेट हो वो आप तक बरवक्त पहुँच सके। आपसे इजाज़त चाहूँगा डियर फ्रेंड्स, अगली जॉब अपडेट तक के लिए या इसी तरह की इन्फॉर्मेशन तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।